अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीए साइंस एकेडमी। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है और आज हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम फैक्टोरियल फाइंड कर सकें। फैक्टोरियल कहते हैं कोई भी नंबर वो अपने पिछले तमाम तर नंबर से मल्टीप्लाई हो, जैसे 5 है, 5 अब 4 से मल्टीप्लाई हो, फिर 3 से हो, फिर 2 से हो, फिर 1 से हो, सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो, उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आपके ध्यान में हमेशा होनी चाहिए, इंटीजर में हमारे पास एक चीज़ होती है, सबसे पहले यहाँ लगता है लूप, लूप का वेरिएबल आ गया आई, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है फैक्ट, जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए उसको कहते हैं फैक्ट, और तीसरा वो नंबर जो हमने यूज़र से लेना है। अब हमने सबसे पहले यूज़र से नंबर लेना है, वो नंबर ले लेते हैं प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर हूज फैक्टोरियल इज रिक्वायर्ड, हमने कर लिया ये। अब इसके बाद हमने क्या करना है, स्कैन एफ के थ्रू जाके परसेंटेज डी में वो नंबर स्टोर कर देना है एट नम के साथ। इसके बाद हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो हम फॉर लूप लगाएंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी या आई इक्वल्स टू कर देंगे 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है, और आई में हमारे पास एक एक ऐड होता रहेगा, सही है, ये आई चलता रहेगा जब तक हमारे पास नंबर नहीं आ जाता। फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, हर फैक्ट आई से मल्टीप्लाई होकर फिर दोबारा फैक्ट में स्टोर हो जाएगा। इससे पहले हमें फैक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा 1 से, जैसे पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने सम को इनिशियलाइज किया था ना 0 से, क्योंकि हमेशा ऐड करने के लिए आपका पहले वेरिएबल 0 होना ज़रूरी है, इसी तरह मल्टीप्लाई करने के लिए पहले वेरिएबल 1 होना ज़रूरी है। अगर यहाँ इसको हम 0 कर देंगे तो सारा प्रोग्राम मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इस तरह हमारे पास फैक्टोरियल जो है फाइंड हो जाएगा। आखिर में जाके आपने दोबारा एक लाइन लिख देनी है, प्रिंट एफ एन, आप लिखोगे फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज परसेंटेज डी, ये और बाहर आके आपने लिख देना है सिंपल फैक्ट, फिर इस तरह आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। क्या किया है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, वहाँ पर नंबर लिया, इसका फैक्टोरियल चाहिए था, उसके बाद लूप लगा के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया है। अब फैक्ट हमारे पास 1 है, जब आई 1 होगा, 1 ये हमारे पास 1 नहीं लिखना, आई लिखना है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आगे दोबारा स्टोर हो गया। अब दोबारा आई 2 होगा, 2 1 2 स्टोर हो गया, 3 होगा, 3 2 6, इस तरह करते करते सारा प्रोग्राम हमारा स्टोर हो जाएगा और आखिर में हम फैक्टोरियल को प्रिंट कर देंगे। मैं सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, चेक करता हूँ सही है या कोई करेक्शन है। 5 का फैक्टोरियल होता है हमारे पास 25, चेक कर लेते हैं, 5 का फैक्टोरियल हमारे पास 120 आया है और यही इसका करेक्ट फैक्टोरियल है जो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, हमें 7 हटाना पड़ेगा, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। 5 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है हमेशा 120 और ये हमारे पास 120 आ गया है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।